रविवार सुबह कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन वन निगम द्वारा हटाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कंप्यूटर बाबा पर पलटवार करते हुए कहा कि साधुओं को नहीं करनी चाहिए राजनीति। गौशाला की जमीन पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर कब्जा जमाए बैठे थे। देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रचार कांग्रेस का किया था, अब कंप्यूटर बाबा एक संत महात्मा है तो वो राजनीतिक प्रचार क्यों कर रहे थे? उनको धार्मिक प्रचार करना था। और जिस प्रकार की भाषा वो माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कह रहे थे, वो तो स्पष्ट है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। होना ये चाहिए कि उनको अपने, अगर वो बाबा हैं तो बाबा के हिसाब से करना चाहिए, न कि राजनीति जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चुनाव में और चुनाव के पहले भी जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, वास्तव में बहुत दुखद है। ऐसे संत महात्मा नहीं होना चाहिए। और वो भी उस जगह जो अभी मैंने जिला प्रशासन की जानकारी उन्होंने मुझे बताई, उसमें बताया कि वो गौशाला की ज़मीन है और गौशाला में तो गौशाला होना चाहिए। गौशाला में अभी जो टीवी पे आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि वहाँ कोई एसी के रूम थे, आलिशान कमरे बने हुए थे, तो भाई जब गौशाला में गाय रहती है, गायों के लिए स्थान रहता है, न कि एसी और ऐसे रूम बनाए जाते हैं, तो जो गौशाला की जगह है वो गौशाला में मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार कंप्यूटर बाबा जी ने बहुत ही चुनाव के समय उनको धार्मिक, अगर वो उनके मन में भाव हैं धर्म की पताका लेके चल रहे हैं तो धर्म की बात ही करना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति बातें उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो जिला प्रशासन बताएगा जमीन कितनी है, उनके रिकॉर्ड में गौशाला की दी हुई जमीन है तो गौशाला की जगह गौशाला बनना चाहिए। भाजपा ने अभी चुनाव लड़ा सागर में साधु और शैतान के नाम पर लड़ा है और कंप्यूटर बाबा कहीं ना कहीं साधु तो हैं, तो ये कार्रवाई क्या करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, जो कंप्यूटर बाबा जिनकी आप बात कर रहे हैं साधु है, तो साधु को साधु का ही काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, उनको अपने धर्म की पताका फहराते हुए जाना चाहिए, न कि राजनीतिक मामलों में जिस प्रकार के उनके बयान आते हैं और हमने सबने देखा सुना है, बहुत ही राजनीतिक बयान उनके आए हैं जब भी उन्होंने दिए हैं। साधु संतों में कहीं ना कहीं रोष है आश्रम को लेकर? देखिए, बहुत सारे साधुओं के फ़ोन आए, वो बहुत खुश है, और जो राजनीतिक साधु होंगे उनको जरूर समस्या आई होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।